हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 264 बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञ भी तैनात किए जाएंगे। ये जानकारी उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम ने प्रेस से मिली कार्यक्रम में देते हुए बताया कि वेबकास्टिंग के लिए भोरंज में 51, सुजारपुर में 52, हमीरपुर में 46, बड़सर में 55, नदौन विधानसभा क्षेत्र में 60 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उपायुक्त संदीप कदर ने बताया कि हमीरपुर जिला में 524 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 10 बूथों पर महिला कर्मचारी एवं अधिकारियों को मतदान की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 मतदान केंद्रों के लिए इसके लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनावों की तिथियां घोषित होने के बाद से ही आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और अब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता दल भी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालने के लिए भी कोई भी व्यक्ति धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त नहीं करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालने के लिए कोई भी व्यक्ति धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के तहत रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को ही सजा हो सकती है। काउंटिंग का जो प्लान है वो भी रेडी हो चुका है और ऑब्जर्वर्स ने उस प्लान को अप्रूव कर दिया है और वो कमीशन की अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। काउंटिंग जो है हम हमीरपुर में बाजार में जो हमारा बॉयज़ स्कूल है उस बॉयज़ स्कूल में सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की काउंटिंग हम यही करेंगे और यहीं पे सारे ईवीएम्स की स्टोरेज काउंटिंग तक की जाएगी और इसके लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह पे नाके लगाए जा चुके हैं, लगातार चेकिंग पुलिस के माध्यम से चली हुई है और इसी के साथ साथ जो हमारा लिकर की हिसाब से भी हमारी काफ़ी इंटेंसिव चेकिंग चली हुई है। ATC के माध्यम से अलग अलग जगह पे जो वेंट्स है बार्स है उनकी चेकिंग की जा रही है, नाका लगाए जा रहे हैं और अब तक जो है 117 से अधिक इंस्पेक्शन वेंट्स के किए जा चुके और करीब 35 तक बार्स की इंस्पेक्शन की जा चुकी है। इसके तहत 5,200 बल्क लीटर से अधिक शराब जो है वो एक्साइज के माध्यम से सीज की गई है और पुलिस के माध्यम से करीब 450 बल्क लीटर शराब सीज की जा चुकी है।